ऐसी प्रॉब्लम होती है कि छोटी छोटी बात पे उनको चिड़चिड़ापन होता है, छोटी छोटी बातें वो भूल जा रहे हैं, अचानक ही उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हो रही है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमेशा ऐसा फील हो रहा है कि उसका मन बहुत ख़राब है, या फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें आपको खुद फील हो रहा है जो आपके लिए अच्छा नहीं हो रहा, यानी कि आपको नर्व की प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर ये जो प्रॉब्लम्स होती है, भूलने की बीमारी होना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, अचानक से आपका मूड स्विंग हो जाना, और ये एक आध दिन के लिए नहीं लंबे समय तक आपके साथ चल रहा है, तो एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से ये होती है, और वो है विटामिन B12। देखिए, हमारे शरीर में विटामिन बी की मात्रा बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। RBC और DNA क्रिएशन में ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये आपके दिमाग के काम को स्मूथ बनाता है, फास्ट बनाता है, और एक्सपर्ट्स बताते हैं कि विटामिन बी इनटेक का जो प्रेफरेंस रेट होता है वो 2.8 माइक्रोग्राम होता है। बट स्टडीज ये बताती है कि 47% इंडियंस में ही विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। इसके पीछे खास वजह होती है खान पान, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं उनमें विटामिन B12 की कमी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो प्लांट बेस्ड विटामिन नहीं है। अगर हड्डियों के तैयारी की बात करूं, DNA क्रिएशन की बात करूं, अगर मैं ब्लड सेल्स की बात करूं, या फिर नर्व सेल्स की बात करूं, हर चीज की क्रिएशन में विटामिन B12 का बहुत ही क्रूशियल रोल है। हमारे बालों से लेके हमारे नाखून तक, हमारे स्किन से लेके हमारे ऑर्गन्स तक, हर चीज को सही रखता है, अच्छे हेल्थ में रखता है, इसके हेल्थ को बैलेंस करता है ये विटामिन। इस विटामिन की कमी से डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हो, आपकी दिमागी शक्ति कम हो सकती है, आपके जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, आपको उनमें नमनेस महसूस हो सकती है, यानी कि अचानक ही आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके हाथ पैर में कोई जान ही नहीं है। कैसे समझे कि आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो रही है, विटामिन B12 की कमी हो रही है? देखिए, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बताते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है तो सबसे पहले इसका जो रिजल्ट होता है, जो इफेक्ट्स होते हैं, वो चार जगह नोटिस होता है। वो है हाथ पैर, और उसमें से खास है हाथ के ये जो ये हिस्सा और पैरों के नीचे का ये हिस्सा। जिनके शरीर में विटामिन B12 की कमी है उनमें इन चार हिस्सों में एक अलग सा ही महसूस होता है, नमनेस फील होना, अलग सा ही महसूस होना, कभी कभार आपको झंझनाहट से महसूस होती है इस एरिया में। मेडिकल टर्म्स में इसको पैरेस्थेसिया, यानी कि आपके हाथ में पैर में अचानक से झंझनाहट महसूस होना, या फिर आपको निडल चुभाने जैसा आपको फील होता है, यानी कि सुई चुभाने वाला आपको फीलिंग होता है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, उनको भी ये शिकायत सबसे पहले होती है। इसके अलावा कैसे समझे कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है? देखिए, विटामिन B12 के साथ आपके दिमाग का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये जो विटामिन है ये आपके दिमागी संतुलन में बहुत ज्यादा असर करता है। जैसे कि आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, भूलने की बीमारियां बढ़ जाती है, कोई भी सिद्धांत अगर आप लेना चाहते हो, कोई आप एक्शन लेना चाहते हो, तो उसमें आप कमजोर महसूस करते हो। बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है कि जितने भी दिमाग के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, अक्सर वो सारी समस्याएं विटामिन B12 के कमी के साथ जुड़ी हुई है। इस विटामिन की कमी से हमारी जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन में, वो सूख जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की ताकत और शक्ति कम हो जाती है। इसी वजह से अक्सर लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपनी छोटी छोटी बातें भी भूलने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से आपके पेट की समस्या भी हो सकती है, जैसे कि पेट में बहुत ज्यादा जलन महसूस होना, इसके अलावा पेट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस आप कर सकते हो। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से एक बहुत बड़ी और जो सिम्टम क्रिएट होती है वो है मुंह के अंदर छाले हो जाना। बहुत लोग अपने जीभ में, अपने मुंह में या फिर ऊपर के हिस्से में छाले को महसूस करते हैं, ये भी विटामिन B12 की कमी से ही होती है। विटामिन B12 जो है वो हमारे नर्व सेल्स के जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ा देती है, तो इसकी कमी अगर हो जाए तो हमेशा आपके हाथ में, पैरों में आपको झंझनाहट महसूस होती है। जैसे कि अगर कुछ लोग हमेशा बैठे रहते हैं, थोड़ी देर बैठने के बाद ही उनको अपने हाथ में, पैरों में झंझनाहट महसूस होगी, तो इसका मतलब ये है कि उनके शरीर में विटामिन बी की कमी है। जो वेज खाना होता है ना, उसमें विटामिन बी बहुत ही कम मात्रा में होती है। जो सी फूड्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा फिश में, मीट्स में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
अगर आप वेज खाना खाते हो, खास तौर से अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, तो दूध, दही, दाल, इसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। जो मात्रा में आप लेते हो उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि विटामिन B12 की जो कमी है आपके शरीर में वो पूरी हो सके। इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सब बुजुर्गों में होता है, बच्चों में भी इस विटामिन की कमी हो सकती है अगर आपका बच्चा नॉन वेज नहीं खाता, सिर्फ वेज खाना खाता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, खान पान पे हम फोकस नहीं करते। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो हमारे जानने के बाहर होता है, पर छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नॉलेज में रखते हो तो आप अपने डाइट को बैलेंस कर पाते हो, अपने लाइफ स्टाइल को बैलेंस कर पाते हो, और ये छोटी छोटी चीज़ें लंबे समय तक आपको हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर इन सारे सिम्टम आप नोटिस कर रहे हो कि हमेशा आपके मुँह में छाले पड़ने लगते हैं, हमेशा आपके पैरों में झंझनाहट से महसूस होती है, थोड़ी देर बैठने के बाद ही आप कुछ अलग सा ही फील करते हो, सुई चुबाने वाली फीलिंग आपको होती है, या फिर इसके साथ साथ भूलने की बीमारी हो जाना, या फिर आपके सर में दर्द होना, डिप्रेशन का शिकार आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली हो जाती है, और चिड़चिड़ापन आप में बहुत ज़्यादा होता है, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, और इसके अलावा हमारी गूगल महाराष्ट्र तो है ही, कौन से खाने में विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा होती है उसको आप उस पर फोकस कर सकते हो, और उसको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।